सर, इस फेस्टिवल का पार्ट होने में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। और इस फेस्टिवल में आपका प्ले दिखाया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। प्ले के बारे में? प्ले के बारे में तो अभी झलकी दिखाई हमने, थोड़ा टेलीविजन पे। बहुत ही अलग सा नाटक है, कुछ नियोग प्रथा के बारे में। नियोग प्रथा वो प्रथा थी, ये कहा जाता है कि सारे के सारे पांडव अपने पिता की एक्चुअल संतान नहीं थे, वो नियोग द्वारा उत्पन्न हुए थे। और उनको इस तरह से दिखाया गया है, कोई सूर्य पुत्र है, कोई वायु पुत्र है। अब ये सब बड़ा अजीब सा लगता है, साइंटिफिकली ये समझ में आता है, हाँ नियोग पुत्र हैं वो। मतलब नियोग पुत्र का मतलब ये हुआ कि वो अपने पिता की संतान नहीं थे। पांडु एज वी ऑल नो वॉज इम्पोर्टेंट, सो उस ज़माने में एक प्रथा होती थी, अगर पति से बच्चा पैदा नहीं हो सकता तो राजगद्दी का उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए ये अधिकार था पत्नी को, महारानी को, वो एक रात के लिए स्वयंवर रचाए और अपनी मर्जी से किसी एक पति को चुन ले, उसके साथ रात बिताए, जिसका पर्पज सिर्फ प्रेग्नेंट होकर, गर्भवती होकर अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी पैदा करना। तो ये उस बारे में है कि उस तरह की प्रथा जब है तो उसके अंदर, प्रथा तो जिन लोगों ने बनाई है उनके अपने कारण हैं कि राज्य के लिए स्टेबिलिटी रहेगी और एक वंश का नाम चलता रहता है, जिसकी वजह से प्रजा जो है सिक्योर्ड महसूस करती है। लेकिन जिन्होंने ये बनाई है प्रथा, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा कि उस व्यक्ति पर, उस आदमी पर क्या गुजर रही है या उस औरत पर क्या गुजर रही है जिसे ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि तुम एक रात के लिए किसी भी दूसरी स्त्री की, वो महसूस करती है जैसे वेश्या की तरह से मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से राजा ये महसूस करता है कि मतलब मुझसे कहा जा रहा है कि तू ज़बरदस्ती इसको जयमाला खुद उसको देता है, राजा जाके चुन अपनी मर्जी के खिलाफ। अंदर से वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो ये नाटक एक्चुअली उस पूरे सिस्टम को एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है और ढूंढ रहा है कि राजा पर क्या गुजर रही है जो असमर्थ है, रानी पर क्या गुजर रही है जिसे ज़बरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या लौटने के बाद किस तरह की टोटली ट्रांसफॉर्मेशन से रानी गुजरती है जिसने पहली बार उस शारीरिक सुख का को जाना है, और ऐसे के अंदर आकर के वो किस तरह से बदला क्या लेती है, वो किस तरह से लताड़ती है उस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जिन लोगों ने इस तरह का नियम बनाया है, और वो अपने आप में कितने लाचार अब महसूस कर रहे हैं जब रानी का रूप एक तरह से बिल्कुल नया हो गया है।